हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप कोई एक न्यू पीसी बिल्ड करने जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको मैक मिनी M1 चिपसेट के साथ परचेज करना चाहिए या फिर विंडोज पीसी बिल्ड करना चाहिए, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आपको कोई फ्रेंड पीसी बिल्ड करने जा रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जब से एप्पल ने अपने मैक मिनी को M1 चिपसेट के साथ लॉन्च किया है और उसका प्राइस काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रखा है, मार्केट में आपको 65,000 का ये मैक मिनी मिल जाएगा और सेल्स में आपको ये इससे भी कम रेट पर मिल जाता है, तब से न्यू पीसी बिल्डर्स के दिमाग में एक सवाल रहता है कि उन्हें मैक मिनी के साथ जाना चाहिए या फिर विंडोज का कोई पीसी बिल्ड कर लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं टोटल 8 पॉइंट्स को कवर करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सा पीसी परचेज करना चाहिए। तो चलो जल्दी से मूव करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर, जो कि स्पेसिफिकेशन का पॉइंट है, और देख लेते हैं हमारे दोनों कॉम्पिटिटर्स के आज के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। तो जो हमारा मैक मिनी है ये आता है M1 चिपसेट के साथ, जो कि एप्पल का लेटेस्ट सिलिकॉन चिपसेट है। इसमें आपको 8 कोर्स का प्रोसेसर और 8 कोर का ही GPU मिल जाएगा। साथ ही इसके अंदर आपको 8 गिग्स ऑफ रैम मिलेगी और 256 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। और आज का हमारा जो विंडोज पीसी है, जो कि एक प्रपोज्ड पीसी है जिसको हमने 65,000 की रेंज को देखते हुए बिल्ड किया है, और इसमें जितनी भी कंपोनेंट्स हमने यूज किए हैं उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसका लेटेस्ट प्राइस चेकआउट कर सकते हो। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर जो प्राइस है वो लगभग 64,500 के अप्रॉक्स जा रहा है। तो इस पीसी में लगा हुआ है राइजन 7 5700G प्रोसेसर, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है राइजन की तरफ से। 8 कोर CPU और रेडियन 8 GPU के साथ ये प्रोसेसर आपका आता है। साथ ही इसमें हमने यूज किए 16 गिग्स ऑफ रैम, और इसके अंदर जो SSD यूज की है वो NVMe SSD है और 500 GB की SSD हमने यूज की है। तो चलो मूव करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर, जो कि है लुक एंड फील। अब अगर आप मैक मिनी को देख लो तो ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आता है और काफ़ी छोटा इसका फॉर्म फैक्टर है। टेबल पर आप इसको कहीं भी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और अगर वहीं पर हम अपने विंडोज़ पीसी को देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप जैसा चाहे वैसा कैबिनेट सेलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर कलर वाइज चूज करना है तो आप जो कलर चाहो वो चूज कर सकते हो। अगर आपको लाइट्स के साथ खेलने का शौक है तो RGB वाले भी आप कैबिनेट्स यूज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल भी सब्जेक्टिव चीज़ है, जहाँ पर मैं किसी की तरफ ज़्यादा आपको ध्यान नहीं दिलाऊंगा। तो जैसा भी आपको पसंद हो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, और यहाँ पर हम देखेंगे CPU और GPU को। अब जो हमारा मैक मिनी है ये आता है M1 चिपसेट के साथ, जो कि एप्पल का लेटेस्ट चिपसेट है, सिलिकॉन चिपसेट है, और 5 नैनोमीटर पर ये चिपसेट बना हुआ है। इसके अंदर आपको 8 कोर्स मिल जाएंगी CPU के अंदर और 8 कोर्स ही मिलेंगे आपको GPU के अंदर। वहीं अगर अदर हैंड पर मैं देखूं राइजन 7 5700G को, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, बट ये 7 नैनोमीटर पर बना हुआ है और ये चिपसेट आता है 8 कोर्स के साथ, बट इसकी 8 कोर्स मल्टी थ्रेडिंग करती हैं, तो 8 कोर और 16 थ्रेड का ये प्रोसेसर है, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करने पर कैपेबल है। और इसके अंदर आपको रेडियन 8 का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देता है अगर आप ग्राफिक कार्ड इनिशियली परचेज नहीं करना चाहते। और इसीलिए मैंने आज के इस कंपैरिजन में इस CPU का रखा है। आप स्क्रीन पर आने वाली इमेजेस को देख सकते हो और इन दोनों के अंदर ही आप डिफरेंस देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पावर का डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड में डिफरेंस नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा, क्योंकि M1 चिपसेट सिलिकॉन चिपसेट है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी 5 नैनोमीटर पर बना हुआ है, तो पावर इफिशियंसी उसके अंदर ज़्यादा है। जबकि अगर मैं बात करूँ आपके राइजन प्रोसेसर की, राइजन 7 5700G की, तो इसकी पावर एफिशिएंसी कम है कंपेयर किया जाए अगर मैक मिनी के साथ। तो आप देख सकते हो साफ साफ जो आपका M1 चिपसेट है वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं राइजन से आगे चला जाता है, बट अगर मल्टी कोर की परफॉर्मेंस देखी जाए तो वहां पर राइजन बिल्कुल बीट कर देता है आपके M1 चिपसेट को। तो अगर बात की जाए स्पीड की, बात की जाए प्रोसेसिंग की,
डेफिनेटली दोनों ही काफ़ी अच्छे प्रोसेसर हैं और दोनों ही अपने अलग अलग बेनिफिट्स के साथ आते हैं। अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग करनी है, आपको कई सारी एप्लीकेशंस यूज़ करनी है, या आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो जो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करनी है करती है, तो डेफिनेटली आप राइजन 7 5700G के साथ जा सकते हो और आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। और वहीं पर अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ कम से कम करना है, तो M1 चिपसेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट बन जाएगा। अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो जो हमारा राइजन का प्रोसेसर है, इस पे आप इजीली 90 FPS, 60 FPS या फिर 50 FPS पर गेमिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है गेम के ग्राफिक्स पर। अगर आप GTA खेल रहे हो तो आप इजीली 90 FPS पर वो गेम खेल सकते हो और वहां पर आप Full HD को भी यूज़ कर पाओगे। Full HD आसानी के साथ आपको सपोर्ट कर कर देगा ये प्रोसेसर। और अगर मैं बात करूँ आपके M1 चिपसेट की, तो ये भी बहुत ज़्यादा गेमिंग के लिए कैपेबल नहीं है। आप इसमें भी बहुत हैवी गेम्स नहीं खेल सकते हो। और वीडियो एडिटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों ही प्रोसेसर पर आप आसानी के साथ 4K वीडियो को दो लेयर के साथ, 15-15 मिनट की अगर वीडियो है, आसानी के साथ आप उसको एडिट कर पाओगे। कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी वॉइस नहीं कटेगी, प्लेबैक आपका बहुत स्मूथली शो करेगा। बट जब आप इसको रेंडर करने जाओगे, तो वहां पर आपको राइजन के साथ लैग देखने को मिलेगा। राइजन आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा रेंडर करने में, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है, राइजन जो प्रोसेसर है, इसके अंदर आपको जो GPU मिलता है, ये आपको हार्डवेयर इनकोडिंग यूज़ करने नहीं देगा। अगर आप प्रीमियर यूज़ कर रहे हो, आपको सॉफ्टवेयर इनकोडिंग के साथ ही अपनी वीडियो को रेंडर करना पड़ेगा। बट वहीं अगर आपका प्रोसेसर M1 है, तो आप इसको आसानी के साथ हार्डवेयर इनकोडिंग के साथ यूज़ कर सकते हो और काफ़ी फास्ट आपको रेंडरिंग देखने को मिलेगी। इस एक ड्रॉबैक के अलावा कोई भी ड्रॉबैक आपको देखने को नहीं मिलेगा राइजन के साथ। बट कहीं ना कहीं आगे चल के ये प्रोसेसर आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो पूरी वीडियो देखते रहना। और चलो जंप करते हैं अपने 4th पॉइंट पर। अब यहाँ पर कहानी बदलने लगती है। अभी स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स तक आपको मैक मिनी ऊपर जाता हुआ दिखा होगा, बट यहाँ से मैक मिनी की कमियाँ आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर मैं रैम की बात करूँ, तो मैक मिनी आता है 8 GB ऑफ रैम के साथ, और आज का जो हमारा विंडोज़ PC है, इसमें मैंने 16 GB की रैम को लगाया हुआ है। अब हमारा जो राइजन 7 प्रोसेसर है 5700G, ये सपोर्ट करता है 128 GB तक की रैम को। तो आप इसकी रैम बढ़ाते बढ़ाते 128 GB तक लेकर जा सकते हो, बट मिनिमम इसमें 16 GB की रैम होनी चाहिए अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना चाहते हो। बट वहीं अगर मैं बात करूं मैक मिनी की, तो इसके अंदर आप रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर आपको 8 GB रैम की जगह 16 GB रैम वाला यूनिट चाहिए, तो आपको इनिशियली 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और वहीं पर आपका ये 65,000 का जो मैक मिनी है, ये बढ़ के हो जाएगा 85,000 का, और इनिशियली आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने इसको परचेज कर लिया और बाद में आप इसकी रैम बढ़ा सकते हो। आप फर्स्ट टाइम ही पेमेंट करोगे 85,000, तभी आपको 16 GB की रैम मिल पाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ विंडोज़ PC की, आज के अपने PC की, तो इसमें अगर आप 20,000 लगाओगे, तो आप इसकी रैम को 64 GB तक लेकर जा सकते हो। है ना अमेजिंग चीज़ कि यहाँ पर आपको 20,000 में सिर्फ 8 GB रैम मिल रही है, वो भी आप इनिशियली बढ़ा नहीं सकते हो। बट यहाँ पर आप रैम धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, जितना आपके पास पैसा आता रहे, धीरे धीरे आप इसके लिए रैम परचेज कर सकते हो। बट बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इसके बाद भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये है कि आपका जो मैक मिनी है, इसमें आपको 8 कोर का CPU और 8 कोर का GPU देखने को मिलता है, और जो GPU है उसकी मेमोरी अलग से नहीं है। तो जो आपकी रैम है 8 GB की, उसी को शेयर करेगा आपका CPU भी और आपका GPU भी। तो मान के चलो कोई आप ऐसा टास्क कर रहे हो जहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, यानी कोई ऐसा गेम खेल रहे हो या कोई ऐसी वीडियो एडिट कर रहे हो जहां पर आपको परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी दोनों चाहिए, तो आपको ये बात शायद पता होगी। ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, परफॉर्मेंस आपको मिलती है CPU से और क्वालिटी आपको मिलती है GPU से। तो अगर ऐसा कोई टास्क है जो परफॉर्मेंस और क्वालिटी दोनों को चाहता है, तो आपकी जो रैम है वो शेयर हो जाएगी CPU और GPU में। अब मान के चलो अगर 50% रैम को CPU ले लेता है और 50% ही रैम को GPU ले लेता है, तो आपकी अगर देखा जाए टेक्निकली, तो CPU के पास सिर्फ 4 GB रैम बचती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है लेटेस्ट एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ अपने राइजन PC की, जो कि आज मैंने बिल्ड किया हुआ है, इसमें आपको अगर 20,000 एक्स्ट्रा डाल देते हो,
तो आप 64 GB की रैम लगा सकते हो, और अगर आप नहीं भी डालते तब भी इनिशियली आपको 16 GB की रैम तो मिल ही रही है, और अगर आपके GPU और CPU शेयर करते इसको तो आपको 8-8 GB की अलग अलग रैम देखने को मिल जाएगी, 8 GB परफॉर्मेंस के लिए और 8 GB आपकी क्वालिटी के लिए। ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है जो मुझको बहुत अजीब लगी सुन के और देख के। अब आप डिसाइड कर सकते हो यहीं से कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है मैक मिनी के साथ अगर आप परचेज कर लेते हो। चलो मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट पर, और यहां पर हम बात करेंगे इंटरनल स्टोरेज की। तो अगर मैं बात करूं मैक मिनी की, तो ये आता है 256 GB की स्टोरेज के साथ, और अगर आप चाहते हो इसकी स्टोरेज को बढ़ाना तो आपको ₹20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इनिशियली। ऐसा नहीं है कि आज आपने परचेज कर लिया और कल आप इसकी स्टोरेज बढ़ा दो, आपको इनिशियली पे करना पड़ेगा, तभी आपको 256 GB की जगह 512 GB वाला मॉडल मिलेगा। वही अगर मैं बात करूं विंडोज पीसी की, तो आज का जो हमारा प्रपोज पीसी है इसमें मैंने इनिशियली 500 GB की NVMe M.2 SSD लगा के रखी है, जो कहीं ना कहीं डबल है 256 GB से। तो आप देख सकते हो कितना क्लियर डिफरेंस है। और यही नहीं, अगर फ्यूचर में आप इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हो तो वो भी आप इजीली लगा सकते हो। 1 TB की हार्ड ड्राइव 3 से 3,500 की आपको पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं विंडोज़ पीसी और मैक मिनी को देखते हुए, तो बेस वेरिएंट तो बड़ा सस्ता मिल गया, बट वो आपके काम का नहीं है। अगर आप एक टाइम तक वर्क करते चले जाओगे तो 256 GB की मेमोरी सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर्स को रखने के लिए ही काफ़ी नहीं होगी, आप अपना डेटा कहाँ रखोगे। तो क्लियर है कि जो हमारा विंडोज़ पीसी है वो विन कर जाता है जब बात आती है स्टोरेज की, जब बात आती है रैम की, और जब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। बट चलो आगे मूव करते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ है आपके देखने के लिए। तो हमारा अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी का। अब अगर आप एक ऐसे पीसी यूज़र हो जो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, मान के चलो आपको एडोबी फोटोशॉप यूज़ करना है, एडोबी प्रीमियर यूज़ करना है, आपको इलस्ट्रेटर यूज़ करना है, कोरल ड्रॉ यूज़ करना है, और ऐसे ही दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, या आप कोडिंग करते हो और आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको मैक पर दिक्कत होने वाली है अगर आपके सॉफ्टवेयर कंपेटिबल नहीं है M1 चिपसेट के साथ। और आप जानते हो विंडोज़ पर सॉफ्टवेयर के मामले में कुछ भी नहीं सोचना, बहुत आसानी के साथ एक से एक जुगाड़ लोगों के पास है और हर तरह के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं। और ऐसे भी अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर्स की, तो विंडोज़ पीसी के लिए सॉफ्टवेयर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू एप्पल OS। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो, काफ़ी अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो, तो आप कहीं ना कहीं परेशान होगे अगर आप मैक मिनी के साथ जाते हो। बट अगर आप विंडोज़ पीसी अपना बिल्ड करते हो तो सॉफ्टवेयर्स के मामले में तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, इसकी दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सा खजाना छुपा है विंडोज़ के लिए, जिसे आप निकालते चले जाओगे और कभी भी कम होने वाला नहीं है। तो चलो इसके बाद मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट पर, और वो है अपग्रेडेशन का पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं मैक मिनी की, तो यहाँ अपग्रेड के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप जैसा परचेज करोगे वही आप चलाते रहोगे, और अगर आप उससे फेडअप हो जाते हो या फिर वो आपके लिए काम करने में स्लो हो जाता है, या आप उसकी मेमोरी भर जाती है, या आपको लगता है कि उसकी मेमोरी बढ़ानी है या रैम बढ़ानी है, तो फिर आपको दूसरा ही परचेज करना है, वो आपके लिए बेकार हो चुका है, उठा के अपने बच्चों को दे देना और फिर आप किसी और पीसी, किसी और मैक मिनी या लैपटॉप के बारे में सोचना। बट अगर मैं बात करूं विंडोज़ पीसी की, तो यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप इनिशियली एक रैम को लेकर, एक रैम की स्टिक को लेकर पीसी बिल्ड कर सकते हो, और आगे चल के आप इसमें रैम बढ़ाते जा सकते हो। जो आज का हमारा मदरबोर्ड है इसमें आप 4 RAM लगा सकते हो और 128 GB तक की रैम आप इसमें लगा सकते हो। और अगर आप इसकी इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हो विंडोज़ पीसी की, तो उसके लिए भी आप कोई कमी नहीं है। आज का जो हमने मदरबोर्ड सेलेक्ट किया है इसमें आपको 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं SSD लगाने के, तो आप आसानी के साथ पहले एक SSD से शुरुआत कर सकते हो, बाद में जब भी आपके पास पैसा है आप वो पैसा डालकर दूसरी SSD लगा सकते हो। और अगर आप हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हो तो वो भी आप आसानी के साथ इसमें लगा सकते हो, और इंटरनल स्टोरेज के मामले में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। साथ ही एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताया, वो ये है कि इस CPU के साथ, जो कि Ryzen 7 CPU हमारा है 5700G, इसमें आप 3 डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो, जबकि हमारा मैक मिनी सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। और अगर थोड़ा सा और अपग्रेड की मैं बात करूं, तो ये प्रोसेसर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि इनिशियली आप इसमें ग्राफिक कार्ड ना लगाओ और बिना ग्राफिक कार्ड के आप आसानी के साथ इसको यूज़ कर पाओ, क्योंकि आजकल ग्राफिक कार्ड्स के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, डबल और ट्रिपल दाम पर ग्राफिक कार्ड्स आपको मिल रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन मार्केट की बात करो या फिर ऑनलाइन। तो आप इनिशियली ग्राफिक कार्ड ना लगाओ,
बट आगे चल के जब आप इसमें कोई ग्राफिक कार्ड पेयर करते हो तो ये आपको 3060 या 3080 तक के ग्राफिक कार्ड्स का सपोर्ट देता है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और अगर आप ये ग्राफिक कार्ड्स लगा लोगे आगे चल के, जब आपकी पॉकेट आपको आपका साथ दे तब आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, बट जब भी आप ग्राफिक कार्ड लगा लोगे तो फिर इसकी स्पीड, फिर इसकी परफॉर्मेंस ऑसम हो जाएगी और आपको फिर कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सामने फिर कहीं भी मैक मिनी स्टैंड नहीं करेगा आपके पीसी के सामने। तो ये एक बहुत अमेजिंग बिल्ड बन जाएगा। अगर आप फ्यूचर को देखकर बात करते हो, आप धीरे धीरे अपग्रेड्स करते चले जाओ, इनिशियली जो मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं उसके साथ आप पीसी को बिल्ड कर लो, फिर धीरे धीरे आपके पास जब तक पैसा आता रहे, जैसे जैसे पैसा आता रहे आप इसमें अपग्रेड्स कर सकते हो और कहीं भी आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अब चलो अपने लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं और वो है पेरिफेरल डिवाइसेस का। अब यहाँ पर भी आपको एक रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी कि हमारे जो माउस आते हैं, सस्ते माउस आते हैं 500-600 रुपए के, ज़ेब्रोनिक्स के, पोर्टोनिक्स के या फिर आपके लॉजिटेक के, वो सारे के सारे आपको कंपेटिबल दिखेंगे, विंडोज़ कंपेटिबल। बट एप्पल का अगर आप सिस्टम ले रहे हो, मैक मिनी ले रहे हो, तो आपको कोई ऐसा कीबोर्ड चाहिए जिसपे शॉर्टकट्स आपके एप्पल के अकॉर्डिंग दिए हो, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है, करीब 2000 के आसपास आपको कीबोर्ड माउस मिलेगा। वही अगर आप कोई डिस्प्ले ले रहे हो अपने मैक मिनी के लिए, वहाँ भी आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा डिस्प्ले लो जहाँ पर आपको एक्यूरेट कलर मिल जाए, रेटिना टाइप डिस्प्ले हो, या फिर कोशिश करो कि आपकी रेटिना डिस्प्ले लो ताकि आप पूरा का पूरा मजा ले पाओ एप्पल का। वरना आपके पास जो सिस्टम है यानी मैक मिनी, ये तो आपको अच्छा मिल जाएगा बट उसका जो आउटपुट होगा उसमें आपको मज़ा नहीं आने वाला। तो जब भी आप मैक मिनी लोगे, अगर आप कोई ऐसी सस्ती सी डिस्प्ले ले भी लेते हो, फिर भी आप आगे चल के पैसा इन्वेस्ट करके एक रेटिना डिस्प्ले ज़रूर परचेज करोगे प्रॉपर एक्सपीरियंस लेने के लिए मैक मिनी का। बट अगर मैं बात करूँ आपके विंडोज़ पीसी की, खासकर अगर आप राइजन 7 प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो या राइजन का कोई भी प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्प्ले मिल जाएंगे जो काफ़ी अच्छे दाम पर आते हैं। और उन डिस्प्ले में एक टेक्नोलॉजी होती है फ्री सिंक की। अब ये फ्री सिंक की टेक्नोलॉजी क्या है? अगर आपके डिस्प्ले में फ्री सिंक की टेक्नोलॉजी है और आपके सिस्टम के अंदर AMD का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो वो आपस में इजीली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो अब आपका ग्राफिक कार्ड जिस फ्रेम को जिस तरह से प्रोड्यूस करता है, सेम उसी रिफ्रेश रेट पर आपके डिस्प्ले पर वो फ्रेम शो करता है। तो फ्रेम रेट्स काफ़ी अच्छे से सिंक हो जाते हैं अगर फ्री सिंक की टेक्नोलॉजी आपके मॉनिटर में। और ऐसे मॉनिटर काफ़ी सस्ते आते हैं। मेरे पास अभी एसर का मॉनिटर है जो कि 27 इंचेस का मॉनिटर है, मैंने अक्टूबर के महीने में सेल में उसको लिया था 12,500 का, और वो फ्री सिंक को सपोर्ट करता है। और जब मैं सिस्टम बनाऊंगा, और मैं सिस्टम डेफिनेटली बनाने वाला हूँ 5700G के साथ में, तो मैं काफ़ी अच्छे से सिंक्रोनाइज कर पाऊंगा अपने ग्राफिक्स को अपने मॉनिटर पर। और आगे चल के भी मैं जब पेयर करूंगा अपने सिस्टम में ग्राफिक कार्ड को, तो वहाँ भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करूँ जो फ्री सिंक को सपोर्ट करता हो, AMD फ्री सिंक को सपोर्ट करता हो। तो अब चलो कंक्लूजन पार्ट पर आ जाते हैं अपने, और यहाँ पर काफ़ी कुछ बताने के लिए तो नहीं बचा है, क्योंकि पूरी वीडियो में जो कुछ मैंने बताया है उससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि आप अगर मैक मिनी लोगे तो आपको एक अच्छा चिपसेट मिल जाएगा, एक अच्छा फॉर्म फैक्टर मिल जाएगा, बट लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। आप उसको फ्यूचर पर्पज़ के लिए नहीं ले सकते हो, आप एक शो ऑफ कर सकते हो, आप एक दिखावा कर सकते हो कि आपके पास एप्पल का सिस्टम है, बट फ्यूचर के लिए आप उसके बारे में नहीं सोच सकते कि आप एक लंबे टाइम तक उसको लेकर जाने वाले हो। बट अगर आप विंडोज़ पीसी के साथ जाते हो तो आप टाइम टू टाइम अपग्रेड्स कर सकते हो और काफ़ी लंबे टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं एक सिंगल लाइन में इस चीज़ को बोलना चाहूँ तो मैं इतना बोलूँगा कि मैक मिनी आपसे बोलता है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे मुझको यूज़ करो, बट विंडोज़ पीसी आपसे बोलता है जैसे तुम चाहो मुझको यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ था आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने कंपोनेंट्स के नाम लिए हैं, जितने भी कंपोनेंट्स मैंने यूज़ किए हैं अपने प्रपोज पीसी को बनाने के लिए, या मैक मिनी की अगर मैं बात कर लूँ, तो उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप विंडोज़ पीसी बनाना चाहते हो इसी तरह का जिसको मैंने कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल किया है, 65,000 या 66,000 का आपका बजट है, तो आप डेफिनेटली जाकर देख सकते हो, और वहाँ पर जितने भी लिंक्स हैं उनको क्लिक करके अपने कार्ट में डालकर आप इस पीसी को बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना मुझको कमेंट बॉक्स में, और आप और क्या कुछ जानना चाहते हो मुझसे वो भी ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। आपसे मिलेंगे जल्दी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।